चालू नहीं किए। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से पधारे हुए सद्गुण विभूषित श्रद्धेय श्री साहेब जी, कबीर पारक संस्थान सूरत से पधारे हुए सद्गुण संपन्न श्री गुरुभूषण साहेब जी, कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से पधारे हुए संस्थान के अध्यक्ष श्री कृपाशरण साहेब जी, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए श्रद्धेय संत गुरुजन, आदरणीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्त देवियों, कबीर जयंती महोत्सव का आज प्रथम दिन का दूसरा सत्र है। अनेक मनीषी संतों से संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब के विचारों से आप अवगत हुए। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में हुए। आपके जन्म के संबंध में श्रद्धालुओं और बुद्धिजीवियों में मतैक नहीं है, किंतु जो प्रकृति का शाश्वत नियम है उसके अनुसार ही संसार के सभी महापुरुषों का जन्म होता है। वे एक महान क्रांतिकारी वैराग्यवान संत थे। उनकी वाणी निष्पक्ष, किसी संप्रदाय, किसी जात, किसी परंपरा का पक्ष उसमें नहीं। आपकी वाणी निष्पक्ष है, दो टूक की भाषा में कहने वाले किसी महापुरुष का नाम हम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। आप में सत्य के प्रति अनन्य निष्ठा होने के कारण संप्रदाय जगत में जो आपने अंधविश्वास अवैज्ञानिक मान्यताएं देखी, बड़ी निर्भीकता के साथ उसका निराकरण करके शाश्वत सत्य का संदेश दिया। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब की मौलिकृत बीजक, बीजक एक महान क्रांतिकारी ग्रंथ है। हमारी जीवन की अनेक समस्याओं का स्वस्थ समाधान प्रस्तुत। हम केवल धार्मिक दिखने के लिए पढ़ते हैं, मानते हैं, किंतु धार्मिक होने के लिए यदि हम प्रयास करें, वैज्ञानिक ढंग से ग्रंथों का चिंतन करें, तो सचमुच हमारी जीवन की समस्याओं का वहां स्वस्थ समाधान मिलता है। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, कोई उदाहरण देकर हमें बताएं जिससे हमारी जीवन की समस्या का समाधान मिले। बहुत थोड़े शब्दों में साहेब ने कहा, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। कितना छोटा सा समाधान बहुत बड़ी समस्या का समाधान उन्होंने दिया। जिस समस्या से जूझते हुए राजनीतिक नेतागण चिंतित हैं, प्रशासक चिंतित है, आम जनता चिंतित है, उसका समाधान
संत सम्राट कबीर साहब ने हिंदी भाषा में हर आदमी समझ सके सुंदर समाधान दिया कि जो रहे करवा सो निकरे टोटी। करवा में जो होता है वही टोटी से निकलता है। करवा में आप दूध भर दें तो टोटी से दूध निकलता है। करवा में घी भर दें तो टोटी से घी निकलता है। करवा में पानी भर दें तो टोटी से पानी निकलता है। तात्पर्य है जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है। मूल चीज करवा है। ये साहब के कहने का सुंदर ढंग है। करवा है आदमी का मस्तिष्क, ये करवा है। इंद्रियां टोटी है। आदमी के दिमाग में जैसे विचार होते हैं वैसा ही आदमी इंद्रियों से कर्म करता है। अगर हमें कर्म में परिवर्तन करना है तो करवा में परिवर्तन करें, विचारों में परिवर्तन करें। विचारों में परिवर्तन कर देंगे इंद्रियों से कर्म अपने आप बदल जाएंगे। हाथ हम जोड़ करके प्रणाम भी करते हैं, अगर हमारे मस्तिष्क में विचार बदल जाए तो इन हाथों से गाल में थप्पड़ भी मार सकते हैं। दोनों क्रियाएं हाथ से होती हैं कि दोनों के मूल में भीतर की स्थिति है। आदमी की जैसी भीतर की स्थिति होती है वैसे ही इंद्रियों से कर्म होते हैं। कितना सुंदर समाधान दिया। जब तक आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक आदमी की नैतिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। कोई आदमी चोरी करता है, पुलिस कर्मचारी उसे पकड़ लेते हैं, न्यायालय में केस जाता है, न्यायाधीश महोदय दंड सुना देते हैं, नेता बंधुगण कानून बना देते हैं। किंतु जिस खराबी के कारण से आदमी चोरी करता है उसे तीनों बदलने में असमर्थ, तीनों नहीं बदल सकते। इसलिए हर आदमी को चाहिए उसके जीवन में वैचारिक क्रांति। जब उसकी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, सदा के लिए चोरी करना छोड़ देता है, हत्या करना छोड़ देता है, बलात्कार करना छोड़ देता है, आदमी सज्जन बन जाता है, पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करता है। परंतु कब? जब उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है तब। इसे एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाऊं जिससे बात समझ में आ जाए। अकबर बादशाह और बीरबल दोनों प्रातःकाल घूमने के लिए निकले थे। प्रातःकाल की हवा अनेक रोगों की दवा, स्वास्थ्य की आवश्यकता राजा रंक फकीर सबको एक समान होती है। क्योंकि स्वस्थ आदमी ही भौतिक विकास करता है, आध्यात्मिक विकास करता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रातःकाल घूमने के लिए निकले थे। बादशाह के मन में एक विचार उठता है कि बीरबल मेरा नौकर है। जब देखो तो बीरबल मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है। बीरबल को कभी क्रोध करते नहीं देखे कि इसका चेहरा कैसा होता है। बीरबल को कुछ पता नहीं है, बीरबल पीछे चल रहे हैं, बादशाह आगे चल रहे हैं। आगे चलते चलते एक वस्तु को देख करके बिना ठीक से सोचे समझे बादशाह ने प्रयोग कर दिया। बादशाह ने कहा बीरबल, उसने कहा जी हुजूर, कहे तुम्हारे मुंह में बिस्का। बीरबल हाजिर जवाब तुरंत उत्तर दिए कि सरकार के मुंह में घी और शक्कर। कहे क्यों बीरबल? मैंने तुम्हारे लिए इतनी अभद्र बात कह दी कि तुम्हारे मुंह में बिस्ता और तुम्हें क्रोध नहीं आया? कहा हुजूर क्रोध का कोई कारण नहीं है। कहे क्यों? कहा जिसके मुख में जो था वो निकला। मेरे मुख में घी शक्कर था, मेरे मुख से घी शक्कर निकला और आपके मुख में जो था वो आपके मुख से निकला। अब बादशाह लज्जित हो जाता है, न तो धरती फटती है ना आसमान में उड़ सकते हैं। स्वयं प्रयोग किए थे, जो भीतर होता है वही बाहर निकलता है। जब तक भीतर की स्थिति अच्छी नहीं होगी, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, तब तक आदमी की नैतिक स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। इस समस्या का समाधान के लिए साहब ने दूसरी साखी का भी प्रयोग किया और कहा एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। वृक्ष के मूल में हम पानी देते हैं,
पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है, एक एक पत्ती एक एक डगाली में पानी लोग नहीं देते हैं, मूल में पानी देते हैं, पूरा वृक्ष हरा रहता है। इसी प्रकार से कर्म के मूल में मन है, मन कमांडर है, कमांडर जो आदेश देता है सेना उसका पालन करती है, मन के चलाए तन चले, मन जो आदेश देता है इंद्रियां वही कर्म करती हैं। माइंड कंट्रोल के अभाव में ही बर्थ कंट्रोल की समस्या पैदा हुई है। अगर आदमी माइंड कंट्रोल कर लेता तो बर्थ कंट्रोल की समस्या न होती, देश का अरबों रुपया बेकार न जाता, देश के डॉक्टरों को बिना काम का काम नहीं करना पड़ता और मानव जात का इतना बड़ा उपहास नहीं होता जितना उपहास आज के इस वैज्ञानिक युग में हुआ। पुराने जमाने में केवल पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था और आज के जमाने में सारी मर्यादाएं समाप्त हो गई हैं, पुरुष जाति के साथ, महिला जाति के साथ, सबके साथ प्रयोग किया जा रहा है। केवल माइंड कंट्रोल न करने का ये मात्र दुष्परिणाम है। अगर आदमी माइंड कंट्रोल कर लेता दुर्व्यसनों से मुक्त हो जाता और अनैतिक कार्यों से मुक्त हो जाता। इसलिए हर व्यक्ति का पावन कर्तव्य है सदग्रंथों का हम वैज्ञानिक ढंग से चिंतन करें, जिससे हमारे जीवन की समस्याओं का स्वस्थ समाधान मिले और हम राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक बन करके जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें जो केवल मानव जीवन में संभव है। मानवेतर प्राणी न अपनी मानसिक स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, न ऐसा महान जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। हर आदमी ऐसा जीवन जी सकता है परंतु नहीं जी पा रहा है, उसके कुछ कारण हैं, फिर उसको भिन्न मीटिंग में चर्चा होगी। मैं मूल में ये बतलाना चाहा कि अगर आदमी अच्छा जीवन जीना चाहता है, निर्विकार जीवन जीना चाहता है, पवित्र जीवन जीना चाहता है, तो सबसे अधिक उसे अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। किंतु आज देखा जाता है आदमी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 16 घंटा समय दे रहा है, मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए कहता है साहब नो टाइम, बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं। ये उसकी बहुत बड़ी भूल हो रही है। अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो आपके आर्थिक स्थिति अगर अच्छी हो जाएगी तो आपका घोर पतन होगा। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, वे लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अनेक गलत कर्म करते हैं। इसलिए हर आदमी को चाहिए जैसे हमारी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, ऐसे ही अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। मनुष्य एक समर्थशाली प्राणी चाहे तो अपने जीवन में परिवर्तन कर सकता है। अपनी जिंदगी आप पैदा कर अगर जिंदों में हैं, वो जिंदगी क्या है जो जिंदगी न बदल दे। हर आदमी के अंदर पावर है, दृढ़ संकल्प शक्ति चाहिए। हर आदमी अपने जीवन को बदल सकता है। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, अगर गाड़ी खतरे की ओर जाती है तुरंत ब्रेक का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में ब्रेक का प्रयोग करना चाहिए। किंतु खेत के साथ कहना पड़ता है, आदमी ने अपने लिए जितनी गाड़ियां बनाया है सब गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग कर रहा है। छोटी सी गाड़ी साइकिल है उसमें ब्रेक, स्कूटर है उसमें ब्रेक, मोटर कार, रेल, वायुयान सब गाड़ी में ब्रेक है, किंतु जीवन रूपी गाड़ी में कोई ब्रेक नहीं। बिना ब्रेक के आदमी गाड़ी हांक रहा है, सिर्फ लाखों प्राणियों का जीवन खतरे में पड़ रहा है। पक्षियों की हत्याएं हो रही हैं, मछलियों की हत्याएं हो रही हैं, बकरा मुर्गी खाए जा रहे हैं, न मालूम आदमी क्या क्या कर्म कर रहा है। जीवन में ब्रेक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इन सब के लिए जितना सत्संग से आदमी को सुंदर प्रेरणा मिलती है किसी से नहीं मिलती। बहुत बड़ा सौभाग्य है यहाँ के नागरिकों का और बहुत बड़ा धन्यवाद है बाबू गुरु जी का जो इतना अथक प्रयास किए हैं जिससे लोगों को एक जीवन जीने की एक नई दिशा मिले, नई प्रेरणा मिले कि हम अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हेलो। कबीर
जयंती के पावन अवसर पर चार दिवसीय कबीर सत्संग महोत्सव इस हाल में मनाया जा रहा है, जिसमें आज यह तीसरा दिन है। तीसरा दिन में पहली सभा भजन मंडली के द्वारा हम लोग भजन श्रवण कर रहे थे। आइए हम लोग विचारों की ओर चलें। मेरे लिए भी निर्देश हुआ है, आइए आपके बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। प्रयागराज से पधारे परम श्रद्धे पूज्यपाद श्री साहेब जी, गुजरात कड़खड़ी आश्रम से पधारे हुए परम श्रद्धे संत श्री ज्ञान साहेब जी और विभिन्न जगहों से साध्वी समाज आया हुआ है और भक्त सज्जनों देवियों, आज हम लोग कबीर जयंती मना रहे हैं। सबको यह विदित है, कबीर साहब का प्राकाट्य, उनकी जयंती 17 जून का है, लेकिन भक्तों ने संतों ने अपने सुविधा के अनुसार 2 महीना मई और जून कबीर महोत्सव कबीर जयंती मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में ये रिकॉर्ड है, वहाँ पूरा जून मई से शुरू हो जाती है कबीर जयंती। यहाँ भी हमारे भक्त प्रवर श्री बाबू गुरु ने 4 दिन का यहाँ कबीर महोत्सव कबीर जयंती के उपलक्ष में ये सत्संग समारोह रखा गया है। कबीर साहेब के जन्म के विषय में यही धारणा है, कबीर साहेब लहर तालाब के किनारे शिशु के रूप में नीरू और नीमा नाम के जोलाहे दंपति ने उन्हें पाया। किंवदंती यही है, लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि कबीर साहेब के माता पिता से वो जन्म लिए हैं। माता पिता का पता लगे या न लगे, कुछ विद्वानों का मत है कि उनके औरस नीरू और नीमा के औरस पुत्र कबीर साहेब है। कबीर पंथ में अधिकतम शाखा में ये धारणा है, कबीर साहेब किसी माँ बाप से वे जन्म नहीं लिए, वे तो आकाश से ज्योति के रूप में कमल फूल में शिशु के रूप में प्रकट हो गए। ये शाखी प्रचलित है, गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलद माह पौड़न किए दोनों दिन के पीर। पानी से प्रगटे नहीं श्वासा ना ही शरीर, अन्नहार करता नहीं ताका नाम कबीर। ये साखी प्रचलित है, कबीर साहब किसी माँ बाप से वे जन्म नहीं लिए, उनका पंच भौतिक शरीर नहीं रहे, इसीलिए तो सिकंदर लोदी के 52 कसनी में उन्होंने खरा उतरा। माँ बाप का पता लगे या न लगे, कबीर साहेब अनेक जन्मों के दिव्य संस्कार को लेकर इस धराधाम में वे आए थे। कबीर साहब ही नहीं, बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिनके माता पिता के पता नहीं है। किसी की माँ का पता है तो किसी के पिता का पता नहीं है। उपनिषद में 50 ऐसे ऋषि हैं जिनकी माँ का पता है पिता का पता नहीं है, लेकिन सारे ऋषि आदरणीय हैं पूजनीय हैं।
और गुरु वशिष्ठ कहाँ जन्म लिए? वेद में साफ मंत्र आता है, उतास मैत्रा वरुणो वशिष्ठो उर्वश्या। मित्र वरुण और उर्वशी वेश्या से कबीर वशिष्ठ जी महाराज जन्म लिए और वे राम के गुरुदेव हुए। उनके पुत्र शक्ति और शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर के पुत्र वेदव्यास और वेदव्यास के वंशज कौरव और पांडव। शंकर सुवन केसरी नंदन पवन सुत हनुमान जी आज घर घर पूजे जाते हैं। दासी पुत्र नारद आज घर घर पूजे जाते हैं। कबीर साहब के माता पिता के पता लगे या ना लगे, वे तो अनेक जन्मों के दिव्य संस्कार लेकर के इस धरती में वो आए थे। गरीबदास जी महाराज ने उनके विषय में लिखते हैं, 5 बरस के जब भय काशी माझ कबीर गरीब दास अजब कला ज्ञान ध्यान गुणशील। जब वे 5 बरस के थे तब उनमें अजब कला थी, ज्ञान ध्यान में वे सिर मुकुट थे। कबीर साहब उस युग में होते हैं जिस युग में इस्लाम का शासन था और इधर मुल्ला और पंडितों का धार्मिक दबदबा भारत में था। उस संक्रमण काल में कबीर साहब का प्रादुर्भाव वहां होते हैं काशी नगरी में, जहां विद्या की नगरी विद्या का केंद्र कहे जाते हैं, वहां कबीर साहब का केंद्र रहा है। और उस संक्रमण काल में कबीर साहब ने अंधविश्वास और चमत्कार पर उन्होंने जम के प्रहार किया है। इस संदर्भ में सद्गुरु अभिलाष साहब उनके विषय में लिखते हैं, धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को, बख्शा नहीं जोर फटकारा ललकारा दंभों को, पाखंडों की भित गिराई मिथ्या के खंभों को, बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना, जिसने सत्य सार के कहने में भय कभी न माना। सदगुरु अभिलाष साहब लिखते हैं, धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, धार्मिक लोगों को कबीर साहब ने किसी को बख्शा नहीं, जो कहा जोर से कहा फटकार के कहा। उनकी वाणी बीजक में आप सब परिचित हैं। वे कहते हैं, भूला वे आमक ना दाना, जिन हरदम रामई ना जाना, बरबस आनी गाय पछारी गरा काट जीव आप लिया, जियत जीव मुर्दा करी डारे ताको कहत हलाल हुआ, जाही मांस को पाक कहत हुए ताकि उत्पत सुन भाई, रजो वीर से मांस उपाने सो मांस न पाकी तुम खाई, अपनी देख कहत नहीं आमक का तुम्हारो बड़न किया, उसकी खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया, स्याही गई सफेदी आई दिल सफेद अजो न हुआ, रोजा बांग निमाज क्या कीजे हुजरे भीतर पैठ मुआ, पंडित वेद कुरान पढ़े सब मुसलमान कुराना, कहे कबीर दो गए नरक में जिन हर दम रामई न जाना। पहली पंक्ति में वे कहते हैं, भूला बे अमक ना दाना, ऐ भूला ऐ तुच्छ नादान, जो हर दम में जो राम खुदा जो बोल रहे हैं उसको नहीं जानते हो, बला जबरदस्ती देवता या खुदा के नाम पर बलि या कुर्बानी देते हो, जिसको हम लोगों ने देखा नहीं, जो देवता बोलता नहीं उसके नाम से आज इस 21वीं सदी में भी बलि और कुर्बानी दी जाती है। एक तरफ कहा जाता है कि इस हिंदू भाई कण कण में भगवान है और इस्लाम भाई कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, क्या ये बकरे और मुर्गे में खुदा और राम का निवास नहीं है? खुदा और अल्लाह का निवास राम का निवास केवल मंदिर और मस्जिद में नहीं, वे ही कहते हैं घट घट में है जर्रे जर्रे में है कण कण में है,
क्या ये बकरे और मुर्गे में नहीं है? सदगुरु कबीर और फटकारते हैं, दर की बात कहो दर वेशा, बादशाह है कौने भेषा, कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछो मुसलमाना, लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरज का करो सलामा, काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जबा कराहू भैंसा, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्दन जानो पीर का आओ, बहता पढ़ पढ़ जग भर मायो, कहा कबीर एक सैयद बुहावे, आप शरीखा जग का बुलावे, दिन को रात है रोजा रात हनत है गाय, या खून व बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। वे कहते हैं ऐ दरवेश ऐ फकीर ये बताओ तुम्हारा बादशाह कौन भेष में वे रहते हैं, कहाँ से प्रस्थान करते कहाँ मुकाम करते हैं, आप भी काजी साहब गजब हैं, घर घर जा करके जबा कराते हो, दिन को रोजा रहते हो और रात के गाय मारते हो, भला बताओ खुदा कब प्रसन्न होंगे। जैसे इस्लाम के धार्मिक जो मान्यता पर कबीर साहब सहन नहीं करते हैं, वैसे ही हिंदू परंपरा में देवता को खुश करने में बलि देते हैं उन पर भी कबीर साहब क्षमा नहीं करते। वे को नाम लेके कहते हैं संतों पाड़े निरपुण कसाई, बकरा मारे भैंसा पर धावे दिल में दर्दन आई, करी स्नान तिलक दे बैठे विदिशो देव बुझाई, आत्म राम पलक में बिनसे रुधिर की नदी भाई, अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए शभा माई अधिकाई, इनते दीक्षा सब कोई मांगे हसी आवे मोय भाई, पाप कटन को कथा सुनावे कर्म करावे नीचा, हम तो दोनों परस्पर देखा यम लाए हैं धोखा, गाय बंधे ते तुरु कहिए इनते वे क्या छोटे, कहे कबीर सुनो हो संतों कलिमा ब्राह्मण खोटे, जहाँ ब्राह्मणों का जहाँ वर्चस्व हो, जहाँ काशी जहाँ विद्या का केंद्र हो, वहाँ कबीर साहब ब्राह्मणों को किस तरह से फटकारते हैं। एक इतिहासकार ने लिखा कि उस अंधे युग में कबीर साहब का सर जो है धड़ में कैसा बना रहा आश्चर्य होता है। इतिहास हमारे सामने है, सुकरात को जहर दिया गया, जो महान दार्शनिक यूनान के उन्हें शासन ने उन्हें जहर दिलवाया गया, प्रभु ईसा मसीह को क्रॉस पे चढ़ा दिया गया, मंसूर को सूली पे चढ़ा दी गई, सूली पे चढ़ाने के पहले उनकी दोनों आंखों को निकलवा लिए गए, दोनों हाथ कटवा दिए गए, दोनों पैर कटवा दिए गए, अंत में सूली पे चढ़ा दी गई। उनका इतना ही दोष था, उन्होंने ये कहा था अनल हक अर्थात मैं ही खुदा हूं, इस अभियोग में उन्हें सूली पे चढ़ा दी गई। और कबीर साहब जहां सिकंदर लोदी का शासन है, जहां एक दिन में इतिहास कहता है 1500 हिंदुओं का कत्ल करवा दिया जाता था, एक बोधन नाम के ब्राह्मण लखनऊ में यही कहा था कि जैसे इस्लाम में चल करके जन्नत पाया जा सकता है, ऐसे ही हिंदू धर्म में चल करके स्वर्ग पाया जा सकता है, इस अभियोग में उन्हें भी फांसी की सजा उन्हें दी गई। और कबीर साहब उस जमाने में उस अंधे युग में सीधे सीधे वे फटकार लगाते हैं और वे मुलाजा नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर वास्तव में वे विज्ञान की बात वे करते हैं। एक ने लिखा है कि आज से 600 वर्ष पूर्व कबीर साहब हुए भारतवर्ष में, आज से 600 वर्ष पूर्व कबीर साहब भारतवर्ष में हुए, आज उनकी वाणी विज्ञान से कटती है ना टकराती है, ये उनकी वाणियों में खूबी है। वे जो भी कहते हैं विज्ञान सम्मत कहते हैं, उनकी वाणी ना विज्ञान से कटती है और ना विज्ञान उनको काट पाती, विज्ञान उनको काट पाता है। कबीर साहब की वाणी वास्तव में विज्ञान है। वे हिंदू मुस्लिम की एकता,
ब्राह्मण शूद्र की एकता, मंदिर मस्जिद की एकता, नारी पुरुष की एकता, उन्होंने सारी विषमताओं को मिटा करके उन्होंने अनेकता में एकता देखी है, ये उनकी वाणियों में पाई जाती है। तो सद्गुरु कबीर उस अंधे युग में हुए, आज उनका जो ज्ञान है भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनका ज्ञान चमक रहा है। सद्गुरु कबीर विज्ञान सम्मत वे बात करते हैं, इसीलिए बीसवीं सदी में जो विद्वान हुए उन पर जो रिसर्च किया, चाहे वह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे वह सुंदरलाल पंडित हो, चाहे वह जो भी पंडित हो, बीसवीं सदी में उनके विषय में रिसर्च किया है, वास्तव में जो रिसर्च किया है वे उनका सही मूल्यांकन किया है। जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनकी थीसिस है कबीर, उन्होंने कबीर पर लिखा, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, हजार वर्षों के हिंदी साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। कबीर युगा अवतार और शक्ति को लेकर पैदा हुए थे। यदि एक वाक्य में कहा जाए उनका व्यक्तित्व को, सर से पैर तक मस्त मौला बेपरवाह, दृढ़ उग्र उष्मादि कोमल, वज्रादपि कठोर थे। कबीर के साहित्य में भारतीय जीवन समाया हुआ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कबीर के साहित्य में भारतीय जीवन का मूल समाया है। किसी ने कहा है कि उस अंधे युग में कबीर साहब का धड़ पे सर कैसा बना रहा, उसका एक ही राज्य है, उन्होंने एकता की बात कही और सारी विषमताओं को मिटा करके उन्होंने अनेकता में एकता देखी। इसीलिए 119 वर्ष कुछ महीने तक इस धरती में वे रहे, अन्यथा धड़ से सर अलग कर दिया जाता। सद्गुरु कबीर जो भी कहते हैं वो विज्ञान सम्मत बात करते हैं, इसीलिए विद्वानों ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके व्यक्तित्व को लेकर मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। कबीर साहब के 60 वर्ष के बाद नाभादास जी महाराज हुए हैं, वे भी कहते हैं, कबीर कानी राखे नहीं वर्ण आश्रम सरदर्शनी, भक्त विमुख जो धर्म ताई अधर्म करि गायो, योग यज्ञ व्रत दान भजन मने तुच्छ दिखायो, हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्ष पात नहीं बचन सभी के हित की भाखी, अरुण दशा हो जगत पर मुख देखी नाहिन बनी, कबीर कान राखे नहीं वर्ण आश्रम सरदर्शनी। कबीर ने किसी सरदर्शनियों का मर्यादा वे नहीं रखी, जो कहा उन्होंने निष्पक्ष कहा, शब्दी अवशाखी और रामायणी के माध्यम से उन्होंने एकता और संगठन की बात कही, प्रेम और मानवता की बात कही, और जीवन में कैसे सुख हो, जीवन में कैसी शांति हो, इस सारी बातें उन्होंने बीजक में कही हैं। वो केवल क्रांतिकारी उनका विचार नहीं है, उनका जो विचार है शाश्वत है, मानवता के लिए है। जीवन में कैसे सुख हो, परिवार में कैसे सुख हो, पारिवारिक कैसे सुख हो, इस सारे संदर्भ में उनका विचार है। बीजक में हम सब परिचित हैं। कबीर जयंती के पावन अवसर पर मैं उनका व्यक्तित्व पर जो मेरी समझ में आई, आपके द्वारा गुरुजनों के द्वारा सुना है, उसके द्वारा मैंने आपके बीच थोड़ा निवेदन किया। आइए यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। एक बार जोर से जयकारा हम सब लगाएं, सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की। भक्त बोलिए, सतगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत सुंदर जयकारा लगाए। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति
सदगुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्ति शक्ति की स्रोत मेरी भक्तिमती माताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सबके बीच मेरे लिए साहेब जी की ओर से आज्ञा हुई है, आज्ञा पालन हेतु कुछ समय आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। सद्गुरु कबीर साहेब का एक पद है, साहेब तेरा भेद न जाने कोई। सद्गुरु कबीर साहेब हम लोगों को बता रहे हैं कि जो परम तत्व है उसका भेद कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानने का मतलब अधिकतम लोग नहीं जानते। संसार में हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि, त्यागी तपस्वी कहलाने वाले आज भटक रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि परम तत्व क्या है। देखते हैं शांति पाने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं। इतने घिनौने घिनौने कर्म तक लोग कर डालते हैं जिसको हम लोग बता नहीं सकते हैं। जो नहीं करना चाहिए उसको करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस परम तत्व को, उस परमात्मा को पाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ लोग भटकते हैं और क्या क्या करते हैं, जबकि वह परम तत्व कहीं बाहर नहीं है, हम सबके भीतर है, लेकिन उसका पता ही नहीं है कि वह क्या है और कहाँ है और कैसे मिलेगा। जब जो चीज जहाँ है ही नहीं और हम लोग वहां खोजेंगे तो उसको कैसे पा सकते हैं। कहा जाता है कि एक राजा था, वह रात में सोया हुआ था अपने घर में। जब रात बहुत बीत गई तो उसको आवाज आती है कि छत पर कोई घूम रहा है। राजा उठता है, दरवाजा खोलता है, बाहर आता है और आवाज लगाता है, कौन है छत पर, कौन टहल रहा है। आवाज आती है कि मैं टहल रहा हूँ। वो पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, चोर हो। वह व्यक्ति कहता है, नहीं मैं चोर नहीं हूँ। तब कौन हो, क्या कर रहे हो वहाँ। राजा कहता है कि मैं ऊंट खोज रहा हूँ। वो व्यक्ति कहता है कि मैं ऊंट खोज रहा हूँ, मेरा ऊंट खो गया है। राजा कहता है कि ऊंट खोज रहे हो छत पर, तुम्हारा ऊंट खो गया है, तो क्या तुम बेवकूफ हो। वह व्यक्ति कहता है, नहीं मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आप भी तो सुख और शांति कहाँ खोज रहे हो, पुत्र में, परिवार में, धन में, राजप्रसाद में, कहाँ खोज रहे हो सुख और शांति को। आप भी तो वही खोज रहे हो, बेवकूफ आप हैं कि मैं हूं। अगर आपको सुख शांति परिवार में मिल सकती है, धन संपत्ति से मिल सकती है, तो क्या मुझे ऊंट नहीं मिल सकता है छत पर। राजा को होश आया कि सचमुच में कोई फकीर है। राजा दौड़ता है और कहता है, पकड़ो। देखते हैं कि वह फकीर कहीं गायब हो जाता है। बाद में फकीर तो लौट करके आ जाता है, लेकिन वो राजा नहीं मिलता है। उसको बोध हो जाता है कि सचमुच में मैं कहाँ खोज रहा हूँ शांति को, कहाँ आत्म शांति मिलेगी, मैं कहाँ बाहर भटक रहा हूँ। अगर बाहर शांति होती तो हमें मिल जाती, लेकिन वो है ही नहीं, तो मिलेगी कहाँ से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाहर खोजते हैं। हमारी जो वृत्ति है वो बाहर की ओर दौड़ती है। ये सब का अनुभव है, सब अपने ओर देखें, थोड़ा झांके देखें
तो सहज जो मन है वो बाहर से ही कुछ पाना चाहता है। एक कहानी मुझे और याद आ गई। एक बार एक संत थे, उनके पास संत के पास एक डमरू था। संत उसको कभी कभी बजा लिया करते थे। वो कोई चमत्कारी डमरू रहा होगा। एक बार उस डमरू को एक चोर देख लेता है। चोर के मन में होता है, काश मैं डमरू पा जाता। वह गुरु के पास, उस संत के पास चला जाता है उनका चेला बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए, और कहता है कि भगवान हमें अपना शिष्य बना लीजिए। वो संत कहते हैं ठीक है, रहिए साधना कीजिए। वह रह जाता है संत के पास। बहुत दिन हो गए उसको रहते। कुछ दिन बीत गए तो क्या कहता है कि भगवान अब मैं आपके पास से जा रहा हूँ। उन्होंने कहा क्यों क्यों जा रहे हो, रुको भी कुछ दिन और रहो, साधना करो, भजन करो, आप तो आए थे मेरा शिष्य बनने के लिए। वो चोर ने कहा भगवान मैं आपका शिष्य बनने नहीं आया था, मैं तो चोर था और मैं आया था इसी डमरू के लिए कि मुझे डमरू मिल जाए, लेकिन आज तक वो मुझे मिला ही नहीं, इसलिए मैं आपको छोड़ करके अब जा रहा हूँ। संत ने कहा मैं तो जानता था, मुझे पता था, कहा भी गया है तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, ताई गुरु से क्या छिपावे जिसके हाथ में डोरी। जो पवित्र आत्मा निर्मल संत महापुरुष होते हैं वो देख करके ही परख जाते हैं कि कौन कैसा है, उनसे कोई बात छिपी नहीं रहती, क्योंकि रात दिन वो उसी की साधना कर रहे हैं। और लोग समझते हैं ये क्या समझेंगे हमें। संत ने कहा मैं तो तुम्हें देख करके ही समझ गया था कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम डमरू के लिए आए हो, तुम मेरा शिष्य बनने के लिए नहीं आए थे। इसलिए मैं क्या करता था, उस डमरू को दिन भर तो मैं उसको अपनी झोली में रखता था और रात को मैं उस डमरू को तुम्हारी झोली में डाल देता था, क्योंकि मुझे पता था कि आप हमारी झोली सदैव खोजेंगे लेकिन अपनी झोली कभी नहीं देखेंगे, इसलिए मैं उसको रोज अपनी झोली में डाल लेता था। दिन भर मैं अपनी झोली में रखता था और रात को आपकी झोली में डाल देता था। सहज में हम लोग देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, अपने भीतर नहीं झांकते हैं, अपने दोषों को नहीं देखते हैं। सहज जीवन में देखें, व्यवहारिक जीवन में तो भी हम लोग अपने दोषों को नहीं देखते हैं, जबकि हमारे पास इतने दोष भरे हैं, इतने दुर्गुण भरे हैं कि जिनका आदि अंत नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि दोष पराया देख के चले हसन थसन, अपने चित ना आवे जाके आदि अंत। हमारे भीतर इतने दोष भरे हैं, इतने दुर्गुण भरे हैं जिनका आदि अंत नहीं है। हम एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं, बाकी सारी उंगलियां हमारी तरफ रहती हैं कि अपने भीतर देखो तुम्हारे पास तीन चार दोष हैं और तुम दूसरे के पास एक दोष दिखा रहे हो। सदगुरु कबीर साहब ऐसे लोगों को नहीं पसंद करते। वो किसको पसंद करते हैं, हाँ नहीं कैसे तो है जी ने ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। कबीर हम सबते बुरे हमते भल सब कोय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कबीर हम सबते बुरे हमते भल सब कोय, जिन्हें ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। सदगुरु कबीर साहब दोष देखने वाले को नहीं पसंद करते। उस किसको पसंद करते हैं, जो अपने दोषों को देखे, अपने दुर्गुणों को देखे और देख करके उनको निकालने का प्रयास करे, अपने जीवन को अच्छा बनाए, निर्मल बनाए, ऐसे लोगों को सदगुरु कबीर साहब पसंद करते हैं। लेकिन आदमी क्या करता है, दूसरे के दोषों को देख देख करके अपने मन को गंदा बनाता है, मलिन बनाता है। और क्या होता है, हम दूसरे की बुराइयों को देखेंगे तो क्या हमारा जीवन पवित्र होगा? हम जो देखेंगे वही तो अपने भीतर भरेंगे। दूसरों की चर्चा करके, दूसरे की बुराई करके अपने जीवन को गंदा करना है। अगर हम दूसरों में दो सद्गुण देखेंगे, अच्छाई देखेंगे तो हमारा जीवन अच्छाइयों से भरेगा, हमारा जीवन निर्मल बनेगा, पवित्र बनेगा। ये मनुष्य जीवन क्या है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है बीजक में फूल रहन की टोकरी। ये हमारा मनुष्य जीवन क्या है, फूल रखने की टोकरी है। इसमें अच्छे अच्छे सद्गुण, सदाचार,
दया क्षमा संतोष विवेक वैराग इनको धारण करना चाहिए, सद्गुण रूपी फूल रखना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं इस जीवन में, दूसरों की बुराइयों को देखेंगे, दोषों को देखेंगे, दुर्गुणों को देखेंगे और उससे क्या होता है, हमारा जीवन गंदा होता है, हमारा जीवन अशुद्ध होता है। लेकिन हमें उसका याद नहीं है, हमें उसकी होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और दूसरों की बुराइयों को देख देख करके अपने जीवन को गंदा बनाते हैं, मलिन बनाते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि अपने जीवन से दोषों को त्याग करो, अपने जीवन को पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। तो मैं कह रही थी कि वो संत ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि तुम क्या करोगे, सदैव मेरी झोली देखोगे, तो अपनी झोली कभी नहीं देखोगे। तो मैं कह रही थी कि आदमी की वृत्ति ऐसी है, वो बाहर ही खोजता है। ऐसे लोगों का मन है कि बाहर ही परम शांति परम तत्व को वो बाहर खोजता है कि हमें पुत्र में परिवार में धन संपत्ति में मिलेगा, लेकिन बाहर से नहीं मिल सकती है क्योंकि वो तो हमारे भीतर ही है। लेकिन वह मिलेगी कैसे? सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, बाएं दहिने तजू बिकारा निज के हरिपद कहिया। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं बाएं दहिने तजू बिकारा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी जब तुम अपने भीतर से विकारों का त्याग करोगे, सब तरफ से विकारों का त्याग करोगे। अगर तुम अपने जीवन में परम शांति चाहते हो, उस परम तत्व को पाना चाहते हो, तो अपने भीतर से विकारों का त्याग करो। लोग क्या करते हैं, आज देखा जाता है संसार में कि लोग बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं, बड़ी बड़ी उन्नति प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए उसको नहीं करते हैं। और उस परम शांति को पाने के लिए हमें किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं प्राप्त करना है, ना हमें अधिक धन संपत्ति चाहिए, ना हमें किसी प्रकार के पूजा पाठ करने की जरूरत है, ना हमें किसी प्रकार के शरीर से सूरवीर बनने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा दान पुण्य करने की जरूरत है, कुछ भी जरूरत तो नहीं है। क्योंकि वह शांति हमें ये सब करने से थोड़ा मन को संतोष मिलता है, अच्छा लगता है, दूसरों को कुछ दे करके सुखी हो जाते हैं, थोड़ा शांति मिलती है, मन को अच्छा लगता है। लेकिन उस शांति को पाने के लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल मन को हमें पवित्र करना है। हम संसार में चाहे जितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक अपने मन को नहीं हम पवित्र करेंगे, अपने मन को नहीं निर्मल करेंगे, तब तक हमें वह शांति नहीं मिल सकती है। वह परम तत्व हमें नहीं मिल सकता है। सदगुरु आगे कहते हैं, पानी ले ले साबुन ले ले मलमल काया धोई, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे होई। सदगुरु कहते हैं कि तुम कितना भी पानी ले लो, कहां तीर्थों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन दाग कहां लगा हुआ है? तुम्हारे भीतर में लगा हुआ है, बाहर नहीं लगा है। अगर बाहर लगा होता, तुम्हारे शरीर में लगा होता, तो वह तो कहीं भी अपने घर में नहा लेते और छूट जाता। पाप तो तुम्हारे भीतर में लगा हुआ है और उसको तुम कहीं चले जाओ, तीर्थों में नहा के आ जाओ, चाहे जितना दान पुण्य कर लो, चाहे जितना पूजा पाठ कर लो, उससे वो छूटने वाला नहीं है। क्योंकि दाग तो तुम्हारे विकार तो तुम्हारे भीतर लगे हुए हैं और उनको धोने के लिए कहाँ जाना है? सत्संग। सत्संग ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने से हमारे मन के दाग तुरंत धुल जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, तीर्थ वही जो कि पाप से तारक, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत्संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे नवारा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तीर्थ कहाँ है? तीर्थ वही है जो हमें सारे पापों तापों से तार दे, पाप वही मन मध्य विकारा। पाप कहाँ है? जो तुम्हारे मन के भीतर में लगा हुआ है। सो सत्संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न बारा। सत्संग ही वह तीर्थ है जहाँ पर जाने से हमारे मन के मैल, हमारे मन के विकार,
तुरंत धुल जाते हैं, लेकिन लोग उसको धोने के लिए पता नहीं कितने कितने प्रकार के कर्मकांड करते हैं, लेकिन उससे तुम्हारे मन को शांति मिलने वाली नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं कह रही थी कि साहेब तेरा भेद न जाने को, उस परम तत्व को, साहेब कहते हैं उस परम तत्व का भेद कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता मतलब अधिकतम लोग नहीं जानते, और उसको बाहर खोजते रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ खोजते हैं। सद्गुरु कबीर साहब का एक छोटा सा पद है, मोर हीरा हेराए गयो कचरे में, वो हमारा परम तत्व, वह आत्म शांति रूपी हीरा कहाँ खो गया है। संसार के चमक दमक में, राग रंग में हम भूल गए हैं, खोया नहीं है केवल भूल गए हैं, विस्मृत हो गई है उसकी। साहब कहते हैं मोर हीरा हेराए गयो कचरे में, कोई ढूंढे पूरब कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पोथी पतरे में पानी पथरे में, मोर हीरा हेराए गयो कचरे में। 5-25-3 के भीतर खोज रहे बहु फिकरे में, मोर हीरा हेराए गयो कचरे में। सुर नर मुनि अति पीर ओलिया, कैसे तो नखरे में मोर हीरा हेराए गयो कचरे में। अंतिम पंक्ति कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर परख जिन पाया, बांध लियो है अचरे में, मोरे हीरा हेराए गयो कचरे में। जिनको उसकी परख हो गई, जिन्होंने उसको परख लिया, उसने क्या किया, गांठ बांध कर रख लिया, उसे बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। तो मैं कह रही थी कि सद्गुरु कबीर साहब का पद लंबा है, लेकिन समय नहीं है, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुजन हैं, हमारी साधवी बहनें हैं, उनके विचारों को सुनना है। तो मैं कह रही थी सद्गुरु कबीर साहब की एक पंक्ति कि साहेब तेरा भेद न जाने कोई, लोग उस आत्म शांति को, उस परम तत्व को बाहर खोजते हैं, जबकि वो हमारे भीतर है, हमें बाहर नहीं खोजना है। हम सब अपने मन को पवित्र करें, निर्मल बनाएं, और संत गुरुजनों से जुड़कर अपने स्वाध्याय, साधना, ध्यान, चिंतन में लगे रहेंगे, तभी हमारा मन पवित्र होगा, निर्मल होगा, और हम अपने लक्ष्य में उस शांति की ओर एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।